नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में बर्फबारी, बदल रहा मौसम का मिजाज, लुढ़कने लगा तापमान, गर्म कपड़ों का दौर शुरू। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 14 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। इस दौरान 15 और 16 अक्टूबर को आंधी व आसमानी बिजली के साथ मंडी, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा व शिमला में भारी वर्षा की संभावना है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित अनेक क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। शुक्रवार को प्रदेश में धूप खिली रही, चटक धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक का अंतर दर्ज किया गया है। सुबह और शाम को ठंडक पड़ गई है, ऐसे में अब लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी, 20 से अधिक पुलिसकर्मी संलिप्त, सवालों में खाकी, करोड़ों का करवाया निवेश। देवभूमि हिमाचल में सैकड़ों लोगों से क्रिप्टो करेंसी की आड़ में हुई 1,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भी खाकी भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदेश भर में 20 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारियों की क्रिप्टो करेंसी के इस खेल में संलिप्तता बताई गई है। चरमा पैसा दोगुना करने का लालच देकर इन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश करवाया है। ठगी का शिकार निवेशक अब इन लोगों के विरुद्ध साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। सुंदरनगर की एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने पति के साथ मिलकर ठगी की है, किसी भी निवेश को एक फूटी कौड़ी वापस नहीं मिली है। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के वकनाघाट ममलीक मार्ग पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर घायल हो गया है। हादसा गांव गरु के समीप पेश आया है। एक कार अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। सारे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 2 युवकों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि एक गंभीर घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद IGMC शिमला रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जानकारी के अनुसार वकनाघाट से ममलीक की तरफ जा रही एक कार में चालक समेत 2 युवक सवार थे। शुक्रवार दोपहर बाद करीब 3:15 बजे जब कार गांव गरु के समीप पहुंची, तो चालक कार से अनियंत्रण खो बैठा और कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। जब स्थानीय लोगों ने कुछ गिरने की आवाज सुनी तो उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। नवरात्र में शुरू हो सकता है राज्य कर्मचारी चयन आयोग, सीएम सुक्खू करेंगे शुभारंभ। राज्य कर्मचारी चयन आयोग नवरात्र में शुरू हो सकता है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस माह के अंतिम सप्ताह में करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला में भी और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हमीरपुर में SDM रह चुके डॉक्टर राजकृष्ण परूथी आयोग में IAS के तौर पर मुख्य प्रशासक का जिम्मा संभाल रहे हैं। जितेंद्र सांजा को आयोग का OSG तैनात किया गया है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग खुलने की अधिसूचना जारी होने के बाद युवाओं में रोजगार की आस जगी है।